21वीं सदी का वारिस शाह चंद्र सरताज। संगीत हिंदुस्तानिया दे खून विच रचिया होया है। जिथे अकबर दे राज विच तानसेन वर्गा गायक उस दे नौ रत्ना विच शामिल सी, उथे औरंगजेब दे शासन काल विच संगीत दा पतन शुरू होया। औरंगजेब दा विचार सी कि संगीत बंदे नूं रब तों दूर करदा है। उसने अपने राज चों संगीत ते संगीतकारां नूं खत्म करन लई फरमान जारी कीता। इस फरमान दे तहत गीत संगीत वाले बंदे नूं कैद तों लै के फांसी तक दी सजा हो सकती सी। व्याहां शादियां आदि विच वी नचण टप्पण ते रोक लगा दित्ती गई। संगीत दे चहेते शहर छड के वीरानियां विच जा लुके ते उत्थे लुक छिप के रियाज करदे। अकबर तों बाद औरंगजेब वी इस दुनिया तों चला गया, पर संगीत ते पाबंदी जारी रही। मुड़ एक समा अजिहा आया जद के संगीत नूं जिंदा रखण लई अल्लाह ताला ने एक शख्स दी जिम्मेवारी लगाई, जो के वारिस शाह दे नाम नाल जाणिया जांदा है। उसने सूफी संगीत दी अजिही लीह तोरी जिस ते चलदिआं मौजूदा समें दे कई गायक बड़ा नमणा खट चुके हन। मौजूदा समें विच किसे शहंशाह वल्लों ना तां संगीत ते पाबंदी लगाई गई है ते ना ही संगीत जां गायकां दे खिलाफ किसे किस्म दा फरमान जारी होया है। पर पंजाबी संगीत लगातार अपने पतन वल वध रहा है। इस दा प्रमुख कारण गीतां ते गायकी दे म्यार विच लगातार आ रहा निगार है। अजिहे गीत वड्डी गिणती विच गाए जा रहे हन जो कि परिवार विच बैठ के सुनन योग नहीं हन। गायकी दे आसमान विच लगातार छा रही इस काली बोली रात विच अचानक ही एक सितारे ने अपनी चमक दा एहसास करवाया है, जिसका नाम है सतिंदर सरताज। सतिंदर सरताज जिस दे स्रोते उस नूं अज दा वारिस शाह दी उपाधि उस समय ही दे चुके हन जदके उस दी एक भी कैसेट मार्केट विच नहीं आई। ढोल ढमक्यां दे वधदे जा रहे शोर शराबे दे दौर विच उसने मधुर संगीत ते आनंद दायक शायरी दा एहसास करवाया है। सतिंदर जिस दे एक एक शेर ते लखां दुआवां देण नूं जी करदा है, जद गायन करदा है तां जापदा है जिवें वरियां तों तप रहे रेगिस्तान विच निक्कियां निक्कियां कणियां दा मीह पै रिहा होवे। मारू थल दी तपदी हिक दा सेक मठा पै रिहा होवे, एक अजीब जहे आनंद दा एहसास करवाउंदा है। सतिंदर दा जन्म पंजाब दे पिंड बजरौर हुशियारपुर विखे 31 अगस्त नूं होया। जद पिता सरदार बलविंदर सिंह ते माता सतनाम कौर ने सुखा लदे इस पुत्तर दा नाम सतिंदर सिंह रखिया सी तां कौन जानदा सी कि जवानी दी देरी ते पैर धरदिआं ही सतिंदर सरताज बन के मापिआं नूं इन्ना माण इन्नी इज्जत ते इन्नियां खुशियां देवेगा कि झोलियां छोटियां पै जाणगियां। सतिंदर ने बचपन विच ही बाल सभावां विच गाउणा शुरू कर दित्ता। समा विहा के अयाणी उम्र विच लगे गाउण दे शौक तों सूफी गायन दी अजिही झटक लगी कि उसने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तों सूफी गायन विच MPhil ते फिर PhD कीती। इस तों पहलां संगीत विच ग्रेजुएशन करन दे नाल नाल क्लासिकल म्यूजिक दा 5 साला डिप्लोमा कीता ते संगीत विच ही मास्टर दी डिग्री हासिल कीती। हुण ओह पिछले कुछ वरिया तों पंजाब यूनिवर्सिटी विखे ही विद्यार्थियां नूं संगीत दी सिख्या दे रहा है। डॉक्टर सतिंदर सरताज नूं गाउण तों इलावा शायरी दा भी शौक है। ओह सूफियाना दे आशकां दी रूह नूं अपने ही लिखे सजरे गीतां ते नज़मां दे गायन राहीं सरशार करदा है। सरताज दा विश्वास है कि जेकर गायक खुद शायरी भी करदा है तां ओह अपनियां भावनावां नूं बेहतर रूप विच पेश कर सकदा है। शायरी विच होर ज्यादा परपक्कता लियाउण ते सूफी शायरी दीआं डूंघाईआं समझण लई उसने फारसी जुबान दा सर्टिफिकेट कोर्स ते डिप्लोमा भी कीता। गौरतलब है कि सरताज पहला ओह गायक है जो विद्यक तौर ते इन्ना अमीर है। उसने समुची विद्या भी संगीत दी ही हासिल कीती। जाहिर जही गल है कि जिस गायक जां शायर ने इन्नी उच्च कोटी दी विद्या हासिल कीती होवे ओह
साडी स्रोतियां दी संगीत दी भुख उम्मीद नालों वध ते साडी सोच नालों वध सुचज्जे ढंग नाल शांत करेगा। जेकर सरताज चाहुंदा तां इन्नी उच्ची विद्या हासिल करके पॉप सिंगर या फिल्मी गायकी दे रस्ते ते चल सकदा सी, जिथे शोहरत दे नाल नाल दौलत भी बेहिसाब है, परंतु उसने अपनी अंतरात्मा दी गल सुनदिया महान सूफी संतां बाबा फरीद जी, बुल्ले शाह जी, सुल्तान बाहू जी ते बाबा शाह हुसैन जी दे दिखाए मार्ग ते चलन दा फैसला कीता ते सूफियाना नूं छोंदी होई शायरी नूं ते संगीत नूं चुनिया। सरताज कई देशां विच अपनी कला दा जादू दिखा चुकिया है ते संगीत दी दुनिया विच गंभीरता नाल सोचण वाला नाम बन चुकिया है। पिछे जहे कैनेडा च होए उस ते 18 दे 18 शो हाउसफुल गए हन। भारतीय संगीत दे इतिहास विच एह पहली वारी होया है कि टोरांटो च किसी कलाकार दे इकट्ठे 5 शो होए होन ते ओह वी सारियां दे सारियां टिकटां विकियां होईयां होन। उस दे शो दीआं टिकटां सिर्फ 1 घंटा 35 मिंट दे रिकॉर्ड टाइम विच विक गईआं। जदों कैनेडा वासियां दी रूह दी भुख 18 शोआं नाल वी शांत ना हुई तां उहनां ने डिनर पार्टियां आयोजित कीतियां जिन्हां सरताज ने अपने फन दा मुजहरा कीता। इन्हां डिनर पार्टियां च एंट्री टिकट राही ही सी। हुण विरासत इनकॉरपोरेशन वल्लों सरताज दे आस्ट्रेलिया विखे 4 ते न्यूजीलैंड विखे 1 शो आयोजित कीते जा रहे हन, जो कि क्रमवार ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड ते ऑकलैंड विखे होने सुनिश्चित कीते गए हन। इस संबंधी वधेरे जानकारी विरासत.com तो पता कीती जा सकती है। सरताज सादगी पसंद शख्सियत दा नाम है। यह अटल सच्चाई है कि औखी शब्दावली दी वरतों करके शायरी करनी सौखी है ते सौखी शब्दावली दी वरतों करके आम स्रोते तक पहुंच करनी औखा काम है। कई शायर अपनी शायरी विच उर्दू आदि दे औखे शब्दां दा इस्तेमाल करदे हन, जिस नाल ओह आम बंदे दी पहुंच जां समझ तों बाहर हो जांदे हन। पर सरताज दी कोशिश है कि महफिल विच बैठियां हर कोई उस नाल गा सके। उस दी शायरी बड़ी आसानी नाल आम बंदे दी समझ विच आ जांदी है। सरताज सोचदा है कि गायकी विच सादगी स्रोतियां नूं आकर्षित करदी है। उस अनुसार शायरी सिखी नहीं जा सकती, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਫਿਤਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ 'ਚ ਪਰੋ ਲਵੇ, ਲੱਖ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਛੋਹ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਵੇ ਸਰਤਾਜ ਪੂਰਾ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਗਵਈਆ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕੀ ਕਰੂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਤਾਜ ਖੁਦ ਜਨਾਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਦਿ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।